मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में स्वागत है। आज मैं आपको बनाना के लड्डू बनाना बताती हूँ। फ्रेंड्स, बनाने के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए नारियल, नारियल का बुरादा चाहिए हमें, इलायची पिसी हुई, ये 3 से 4 मैंने पीस ली है, ये बनाना मैंने ग्राइंडर कर लिया है, इसके लिए शक्कर चाहिए यानी पिसी हुई शुगर, और ये काजू है, ये मैंने इसके बारीक बारीक पीस कर लिए, बीच में से 2 टुकड़े कर लिए हैं, और ये चाहिए देसी घी 2 चम्मच। आइए बनाते हैं। ये मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई रख ली है, अब मैं इसको गर्म करने के लिए रखूँगी। ये गर्म होने के लिए रख दी है मैंने कढ़ाई। अब ये कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, जो मैंने बैटर बनाया था बनाना का, वो अब मैं इसमें डालूँगी। और इसको 5 मिनट अच्छी तरह से पकाऊंगा। देखिए, ये हमारा अच्छी तरह से बैटर ये पक चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा देसी घी डालूंगी, और बीच बीच में आपको ऐसे चलाते रहना है जिससे कि आपका लगे ना। मैंने 1.5 चम्मच इसमें देसी घी डाला है, और अब मैं इसको फिर से ऐसे ही चलाऊंगी और पक जब तक कि ये थिक यानी गाढ़ा ना हो जाए। फ्रेंड्स, देखिए, ये हमारा बैटर थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, मैंने इसके अंदर घी मिलाया था और अच्छे से पकाया था इसको। अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच शुगर डालूंगी, क्योंकि बनाना हमारे मीठे होते हैं, इसलिए मैं 2 चम्मच डालूंगी। आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं कम या ज़्यादा, पर घबराने की कोई बात नहीं है। इसको चीनी डालने के बाद ये बैटर फिर से पतला हो जाएगा, और हमें फिर से इसको उसी प्रकार से थिक करना है यानी गाढ़ा करना है। फ्रेंड्स, इसमें मैं पिसी हुई इलायची डालूंगी, जो मैंने 2 से 3 ली थी, और शुगर का पाउडर डाला था यानी चीनी का पेस्ट डाला था इसमें बना के मैंने, वो थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, अब ये मैंने डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह से मैं मिलाऊंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, लगभग हमारा बनके तैयार हो चुका है, पर इसको थोड़ी देर और चलाना है और पकाना है। इसकी जो खुशबू होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और ये बनने के बाद बहुत टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, देखिए, ये हमारा बैटर बनके तैयार हो चुका है। इसको देखने का तरीका ये है कि ये हमारी स्पून से नीचे ना गिरे, यानी चम्मच से जिससे हम बना रहे हैं उससे नीचे ना गिरे। अब मैं गैस को बंद करके इसको एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकालूंगी। ये मैंने बैटर को ठंडा होने के लिए निकाल लिया है। बैटर अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। इसको ठंडा होने में 10 से 15 मिनट लगे हैं, आप देख सकते हैं आपके बैटर को कितना टाइम लगता है। ये देखिए, ये मैंने इसके लड्डू बना लिए हैं। अब मैं नारियल को इसको अच्छे से लपेटूंगी इसके ऊपर, जिससे हमारा नारियल अच्छे से इसके ऊपर लग जाए। ये देखिए, नारियल इसका अच्छे से लग चुका है, और आप कोई भी शेप दे सकते हैं इसको। जैसे आजकल गणेश जी का महोत्सव चल रहा है, तो हम इसको मोदक शेप भी दे सकते हैं इस तरीके से, और इसको बैटर कर। फ्रेंड्स, ये देखिए, आपके लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और